देखो यार, बायोलॉजी के अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर हैं क्लास 11th में। अगर तुम क्लास 11th से पास हो चुके हो, क्लास 12th के अंदर आ चुके हो और तुमने बायोलॉजी को अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन तुम्हारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नीट में काम आएंगे, जो तुम्हारे क्लास 12th में काम आएंगे, और ये मैं बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही रिसर्च करने के बाद तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाला हूं जो कि नीट तक तुम्हारे काम आने वाले। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ क्लास 12th पढ़ूंगा, अब मेरे को नीट से कोई लेना देना नहीं है, मेरी नीट आएगा मैं तब पढ़ लूंगा, तो तुम सबसे बड़ी मूर्खता करोगे, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे चैप्टर्स की क्वांटिटी भी बाबू बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक एक चैप्टर को फूक फूक के हम लोग रखेंगे, जो कि नीट लेवल तक का तुम्हें सब चीज समझा देगा और क्लास 11th के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन सबको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, तो इसके अंदर आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 लिखा है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है? नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ना है तुम्हें, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी बाबू स्टार्टिंग है, ये पूरी वीडियो बहुत लंबी जाएगी, एक भी सेकंड स्किप मत करना, बेसिक 1.5x में डाल दूं। सबसे पहले जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 में आपका कैटेगरीज एंड फीचर्स ऑफ ऑल मोनेरा, प्रोटोजोआ एंड फंजाई, आपका वायरस, प्रायोन्स एंड लीजेंस। ओए फंगी होता है, ठीक है फंगी होता है, फंगी रखो, ये मत बोलना कि भाई इसने गलत बोला, इसको तो बोलना नहीं आता, ये सोचते रह जाओगे तो भाई हो गया यार। बहुत कोई बंदा ना बहुत कुछ कुछ बोलता रहता है, हर कोई एक भाषा नहीं बोलता, तो इस चीज को ध्यान दो कि इस पे फोकस मत करो कि क्या बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान दो कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। प्लांट किंगडम, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ ऑल बायरोफाइट्स, और आपका यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, ये वाले टॉपिक तुम्हारे इंपॉर्टेंट है प्लांट किंगडम से। एनिमल किंगडम की बात करें, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट फीचर एंड एग्जांपल ऑफ ऑल द फाइला, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला आपका मॉर्फ ऑफ फ्लावर और प्लांट, इसके अंदर आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव विद एग्जांपल टाइप्स ऑफ प्लांटेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी कंप्लीट हो जाए आपका, नहीं तो मैं इसको लंबा भी खींच सकता था बोल करके भी। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, प्लांट एटोनॉमी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो कि क्लास 12 में इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स उन टॉपिक की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर और जो तुम्हारा नीट तक काम आएगा, स्ट्रक्चर ऑर्गेन एंड इन एनिमल, ये इसके अंदर आपका टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, टाइप ऑफ सेल जंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी आपका इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनेली एंड देयर फंक्शन, ये भी आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स पे, तो बायोमोलिक्यूल के अंदर तुम्हारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट है, और फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये तुम्हारी क्लास 11th के अंदर इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंजाइम्स, ये भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल एंड डिवीजन, इसके अंदर तुम्हारा फेज ऑफ सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है। डिटेल ऑफ माइटोसिस एंड मेयोसिस, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, आइसोटॉनिक, हाइपोटॉनिक, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन एंड बिहेव, सेल प्लेस्ड इनसाइड देम, एपोप्लास्ट एंड सिंपल प्लास्ट पाथवे, एसेंट ऑफ सैप, मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये सारे के सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड देयर रोल इन प्लांट, बाबू ये बहुत ही कम टॉपिक है, इसके अलावा पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है। तुम सोच रहे हो कि यार तुमने क्लास 11th की बायोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी, इसलिए तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा बता रहे हो, नहीं। नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नीट में तो तुम्हें पढ़ना ही है, तो हम उसको कंसीडर करते हुए बताएंगे ना। तो रेस्पिरेशन प्लांट, इसके अंदर आपका ग्लायकोलाइसिस पाथवे, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव और रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसके अंदर तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जेट स्कीम, कार्बन साइकिल, सी4 पाथवे, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर तुम्हारा इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, और इसके बाद रेगुलेटर, ऑक्सिन, ग्रिबेंस, सेटोकेंस, एथलाइन, जो भी तुम्हारा ठीक है, अजीब अजीब से नाम होते हैं यार, ये तो इन्होंने नॉर्मल से नाम नहीं रख रखे। लॉन्ग डे तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसको जिस कर लेना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डेंटल फार्मूला, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड देयर एक्शन, एंजाइम ऑफ सक्सेस, इंटरेस्ट विद एक्शन, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ब्रेथ एंड एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस, इसके अंदर तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ऑक्सीजन
डिसोसिएशन तुम्हारा कर्व, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके अंदर तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड एंड सेल, ब्लड ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट, कार्डियक साइकिल, ECG, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो है वो, इसके अंदर तुम्हारा डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, रेगुलेशन ऑफ किडनी एंड फंक्शन, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन इन मूवमेंट, इसके अंदर तुम्हारा थ्री टाइप ऑफ मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन, टाइप ऑफ जॉइंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्व इंपल्स जनरल, और तुम्हारा कंडक्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्स, मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड हियरिंग, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसके अंदर तुम्हारा हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, हाइपोथैलेमस, रिपिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी, और यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा बायोलॉजी का सारा कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने तुम्हें 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करा दिया। अगर मैं इसको एक एक करके समझाता तो ये डेफिनेटली कह रहा हूँ 2 आवर से ऊपर की वीडियो हो जाती, इससे कम की तो होती ही नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा तुम्हारा बायोलॉजी का सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस जितना तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्लास 10 तक नहीं पढ़ा था। तो क्लास 11th में दिक्कत आनी थी, क्योंकि इतना कम टाइम दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुम्हें पढ़नी थी, इंग्लिश को भी पढ़ना था और नीट की भी तैयारी करनी थी, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। बट अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें मैं इस चैनल पे सारा का सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर जा करके देखो कि किस टाइप का कॉन्टेंट है, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना बेशक।